दुकान हटाने की ये मुहिम कब रंग लाएगी ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस मुहिम के विरोध के जो तरीके अपनाए जा रहे हैं वो बड़ा ही दिलचस्प है। जी हाँ, बिलाई के पार्षद पीयूष मिश्रा ने गांव वासियों ने पिछले 86 दिनों से शराब दुकान हटाने की मांग पर वो अड़े हैं, विरोध के लिए रोज नए नए तरीके आजमा रहे हैं। आज भैंस के सामने बीन बजाकर विरोध प्रदर्शन किया, साथ ही छावनी थाना तक भैंस के साथ पैदल चलकर ज्ञापन सौंपा। बता दें कि दुर्ग जिले के नंदनी रोड में सरकारी शराब दुकान को हटाने को लेकर लंबे समय से धरना प्रदर्शन और आंदोलन किया जा रहा है, जिसमें पार्षद सहित मोहल्ले के लोगों ने धरना स्थल पर जमकर आवाज बुलंद की। विरोध प्रदर्शन की कड़ी में प्रदर्शनकारियों ने धरना स्थल पर अनोखे ढंग से जो है व्यंगात्मक तरीके से अपनी बात प्रशासन और सरकार तक पहुंचाई। आपको बता दें कि करीब 86 दिन से भाजपा पार्षद पीयूष मिश्रा के नेतृत्व में मोहल्ले की महिलाएं शराब दुकान के विरोध में प्रदर्शन कर रही है, जहां हर रोज अलग अलग ढंग से जो है धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और अपनी आवाज प्रशासन और सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। वहां से कोई सामान्य आदमी आना जाना मुश्किल, दिन दहाड़े वहां पर खुलेआम सब शराब पी रहे हैं। शासन और शासन का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। आज 86 दिन हो चुके हैं यहाँ स्थानीय लोगों को, हम लोगों को साथ में यहाँ पे धरने पर बैठे हुए राजनीतिक दबाव के कारण और सत्ता के मदहोश पन में विधायक को जो किराया मिल रहा है, जो पैसा मिल रहा है अपने बाहर से, और जो शराब दुकान उन्होंने किराए पे दी है उसके लिए, उस पैसे के मिलने वाले लाभ के कारण यहाँ की जनता को जो तकलीफ हो रही है वो उन्हें दिखाई नहीं दे रहा।